स्टूडेंट देखिए बच्चों क्लास फिफ्थ का हिंदी क्लास फिफ्थ हिंदी चैप्टर नंबर 13 हम लोग जो है कल इसका फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तक कर लिए थे। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, यहाँ तक हो गया था। आज चलिए बच्चों हम लोग करेंगे राइट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर करना है। मार्ग में चाहे
चले जैसी भी बाधाएं आए उनसे बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना। ये सेकेंड नंबर का हो गया विशेषता। अब इसके बाद है थर्ड नंबर झरना। कभी पीछे मुड़कर झरना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है वैसे ही हमें बच्चों अपने जीवन में जो चीजें पीछे छूट गई हो उसे फिर से दोहराना नहीं चाहिए या उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे किया है कि झरना की तीन विशेषताएं हमें बताया है कि झरना सदैव मस्त रहता है, तो हमें भी क्या रहना चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए। हमें कितना भी दुख सुख कुछ भी आए उसके सारे दुख में भी और सुख में भी हमेशा क्या रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। जैसे हम सुख में मस्त रहते हैं वैसे ही हमें दुख में भी मस्त रहना चाहिए। झरने के मार्ग में चाहे जैसी भी बाधाएं आए उनसे बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना। यानी वो क्या करता है झरना, चाहे उसके झरने बह रहा है तो चाहे ऊंची टिल्लियां आती हो, चाहे झाड़ी आती हो, चाहे जो कुछ भी उसके सामने आती हो, क्या करती है, निरंतर बहती रहती है। उसी प्रकार हमें भी बच्चों अपने जीवन में अपने अगर जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो हमें भी कोई भी बाधाएं आती है तो उसमें क्या करना चाहिए, उन बाधाओं को हटाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिया है झरना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कभी भी जो पीछे छूट गई जिन बातों को उसको भुला कर आगे जो आने वाली चीजें हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, पीछे बीती हुई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये है बच्चों झरने की तीन विशेषताएं, आप लोग राइट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप राइट कर लीजिए, इसको आप राइट कर लिए होंगे बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। कवि ने झरने को धरती का धड़कन क्यों कहा है। कवि ने झरने को धरती का धड़कन क्यों कहा है? आंसर, कवि ने झरने को धरती का धड़कन
क्योंकि उससे ही धरती को जीवन मिलती है, ये रहा क्वेश्चन नंबर दो का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दो है, मन से निर्मल रहता झरना, मन से निर्मल रहता झरना से कवि का क्या, कवि का क्या आशय है? आंसर देखिए बच्चों, जैसे मन से निर्मल रहता झरना से कवि का क्या आशय है, यानी मन से निर्मल जो है झरना जो है वो क्या करता है, हमेशा मन से अपने एकदम साफ रहता है, वो कभी भी अपने मन में कोई द्वेष इच्छा या कुछ भी नहीं रखता है, वो क्या होता है बिल्कुल मन से अपने साफ होता है। तो उसका कवि ने क्या आशय रखा है, यानी उसका क्या अर्थ है, इसको आप देखिए। देखिए कवि कहते हैं, कवि का आशय है कि कवि का आशय है कि जीवन गतिशील है, जीवन गतिशील है नदियों की तरह, जो कभी थकता नहीं, जीवन गतिशील है जो नदियों की तरह गतिशील है नदियों की धारा की तरह, कभी थकता नहीं, नहीं है, इसलिए कवि ने जीवन को निर्जर कहा है, सुख और दुख के झेलते हुए हर मनुष्य जीवन में
आगे बढ़ता है, निरंतर आगे बढ़ता है और सुख आगे बढ़ता है। सुख कभी टिकता नहीं, और सुख कभी टिकता नहीं। देखिए बच्चों, नीचे अब जगह नहीं है, हम ऊपर गौ वाला क्वेश्चन रेज करते हैं, ये आप कर लिए होंगे। सुख कभी टिकता नहीं और दुख कभी रुकता नहीं, दुख कभी रुकता नहीं। यही है आशय, मन से निर्मल रहता झरना का आशय बच्चों, कि जीवन गतिशील है। जिस तरह नदियों की धारा की तरह थकता नहीं है, जीवन जो है गतिशील है। नदियों की धारा की तरह जो कभी धारा की तरह जो कभी यहाँ पर बच्चों जो रहेगा जो कभी थकता नहीं है। इसलिए कवि ने जीवन को निर्जर कहा है। सुख और दुख के तेज झेलते हुए हर मनुष्य जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, और सुख कभी टिकता नहीं, दुख कभी रुकता नहीं। यानी हमें अपने मन को क्या करना चाहिए, एकदम निर्मल रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है। सुख आता है, दुख आता है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। इसलिए हमें सुख और दुख में क्या करना चाहिए, निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही है ये मन से निर्मल रहता झलना का अर्थ। कवि ने क्या आशय रखा है, यानी इससे मन से जो निर्मल रहता है झरना, उससे क्या आशय है, तो यही जो अपने जीवन में है राइट किया गया है आंसर, यही है उससे आशय। आप इसको राइट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद है, बच्चों देखिए शब्द बोध है, ये राइट कर लिए होंगे। अब देखिए बच्चों इसके आगे है शब्द बोध में दिया है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द दिया है झरना, निर्मल, गल, दर्पण और बचपन, कड़वी, धड़कन। फिर इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। फिर व्याकरण बोध में है पन लगाकर शब्द बनाना है। तो ये बच्चों हम लोग जो बाकी क्वेश्चन अभी बचता है इसको हम लोग कल राइट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बेटा, बाय बेटा।